देखिए, मैंने हमेशा जिंदगी में मेरा वर्ड जो है वो फेमस है, जो भगवान नहीं देता वो डॉक्टर देता है। तो आप समझ ही जाते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही थी। तो जो वही हमारे डॉक्टर पराग तेलंग हैं, मेरे लिए तो गॉड है, आई स्वेयर, बिकॉज ही हैज़ गिवन मी न्यू लाइफ। डॉक्टर पराग तेलंग और डॉक्टर मिनल जो एनेस्थेटिक डॉक्टर है, और मेरी लाइफ इन दोनों के हाथ में है। आई मीन, जब भी मुझे कुछ सर्जरी करानी होती है, यू कैन से दैट ब्रेस्ट सर्जरी हो या एनी काइंड ऑफ सर्जरी, तो आई गो टू डॉक्टर पराग तेलंग। और कुछ भी फेस पे, शायद बुटॉक्स भी कराने हो, इंडस्ट्री में हो या इंडिया में कोई बोलता नहीं है, बट आई एम सो अपफ्रंट एंड आई एम सो फ्रैंक कि कराते सब हैं, 99% कराते सब है, बोलते नहीं है। बट यस, थैंक यू डॉक्टर कि यू मेड मी सो ब्यूटीफुल। क्योंकि जब कहते हैं ना कि बर्थ से जो इंसान बॉर्न होके आता है, जब ग्रो होता है, बड़ा होता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें कम हो जाती है जब आपको एक एक्ट्रेस बनना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कुछ फेस पे हो, बॉडी पे हो, तो जैसे गॉड हमें भेजता है तो आटा कम पड़ जाता है इन माय लैंग्वेज। तो थोड़ा सा हमारे डॉक्टर के पास कभी भी कोई भी किसी भी चीज़ का आटा कमी नहीं पड़ता चाहे। तो आई हैव डन अ फ्यू सर्जरी विथ डॉक्टर पराग तेलंग, डॉक्टर रोमिनल, और इनका क्लिनिक यहाँ पे इतना सो ब्यूटीफुल है। तो आज आए हैं डिज़ाइन बॉडीज, राइट, बहुत ही अमेजिंग है। मैं तो लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़, If you want to look beautiful, please come to Dr. Parag Telang. मैं इतनी सरप्राइज हूँ कि 1000 से भी ज़्यादा सर आपने सर्जरियाँ करी है, 3000 से भी ज़्यादा सेक्स चेंज में, टोटल 3000, हाँ, वो सेक्स चेंज वाला अराउंड थाउजेंड। तो इतनी अच्छी बात है, एंड मैं तो हमेशा डॉक्टर पराग तेलंग के साथ हूँ, डॉक्टर मिनल जी के साथ। या देखो, उनकी अपनी लाइफ है, वो आए, वो क्यों आए, मैं ज़रूरी नहीं कि मैं अपफ्रंट हूँ, मैं बोलती हूँ यस आई हैव डन अ ब्रेस्ट सर्जरी एंड माय डॉक्टर हैज़ डन अ ब्यूटीफुल ब्रेस्ट सर्जरी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड बिकॉज समटाइम्स यू फील वेरी कॉन्फिडेंट, तो एंड मुझे इसमें बोलने में कोई शर्म नहीं है, एंड आई फील ही इज़ द बेस्ट सर्जन। इसके पहले मैं आई हैव डन इट ट्वाइस, इसके पहले किसी और डॉक्टर से करवाया था, तो दैट माई सर्जरी इज गॉन रॉन्ग, एंड मैं रोते रोते सर के पास आई, सर मेरा सर्जरी रॉन्ग हो गया, मैं क्या करूँ। तो सर्जन बोले बिल्कुल टेंशन मत लो, तो बस लेट गए ऑपरेशन थिएटर में, हमारी मैम ने मुझे एनेस्थेटिक ड्रग्स देकर बेहोश हो गई, और जब मेरी आँखें खुली तो माई ब्रेस्ट वॉज न्यू, yes I have done it, aur mujhe isme koi sharam nahi, it's my body and I want to look good, yes, thanks to you sir. To is chalan ko aap kis tarah se denge, jo chupane wali jo chalan hai, yani accept karna unko, dekho sabki apni life hoti hai, sabki apni life hoti hai, main pehle day 1 se main upfront rahi hu, aur maine hamesha kaha hai ki yes, kabhi kabhi lip implant insaan karata hai, kabhi nose karata hai, कभी फेस में बुटॉक्स कराता है, कोई लैपो कराता है, कोई ब्रेस्ट सर्जरी कराता है, कोई हिप इम्प्लांट कराता है, एंड व्हाई नॉट। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई अगर वो है एक आदमी औरत को डाइवोर्स देता है जस्ट बिकॉज कि शी इज़ पुट ऑन वेट, एंड शी इज़ लुकिंग अगली, एंड शी इज़ लुकिंग थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है, वो बुरी बात है। सर्जरी कराना बुरी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है। तो आई थिंक कि जब डॉक्टर जिंदाबाद है, डॉक्टरों को गॉड ने इतना अच्छा ब्रेन विजडम दिया है, एंड दे आर डूइंग सो हार्ड वर्क ऑन विमेन एंड सब पे, तो अगर वो एक लाइफ को चेंज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट ला सकते हैं, तो व्हाई नॉट। कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, कभी नोज ठीक नहीं है, कभी आई में प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर का एक पेशेंट आपके पास था जिसको ईयर्स नहीं था, सर वो बताइए, जो यहाँ के पर्सनली में से निकाल के, कुछ बच्चों को बाय बर्थ ईयर एब्सेंट होता है, तो वी रिमूव रिप कार्टिलेज फ्रॉम द चेस्ट एंड ईयर नया बनाया, सो गुड। तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि चुपके बैठ जाना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। लोग आप अच्छा करोगे तो भी सोचते हैं, आप अच्छा नहीं करोगे तो भी सोचते हैं। तो मुझे लगता है मैं हमेशा सामने आके, और मैं अपने डॉक्टरों को व्हाई नॉट, मैं तो बहुत ही थैंक्स कहती हूँ कि आप लोग की वजह से बहुत सारे डाइवोर्स भी बचे हैं, बिकॉज दे विमेंस लुक्स गुड। और जिसको बोलना होता है बोले, जिसको ना बोलना है तो नहीं बोलते, मैं तो बोलती हूँ।
यू नो एंड आई एम नॉट मैरिड, आई एम नॉट मैरिड तो मैं बोल सकती हूँ मैरिज अगर मुझे करना है तो मैं बोलूँगी पहले एक सर्जरी डॉक्टर के पास, देन आई विल मैरी यू. इंडिया में किस तरह की डिमांड आप देखते हैं? ऑल कॉस्मेटिक सर्जरी, सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज की डिमांड बढ़ते जा रही है, ज़्यादा करके नोज करेक्शंस, फैट रिमूवल सर्जरीज, टमी टक जिसको कहते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी जब फैट बढ़ जाता है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरीज आर इंक्रीजिंग नाउ. बट एज आई सेड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो टू द प्रॉपर डॉक्टर हु इज क्वालिफाइड एंड वेल ट्रेंड इन दिस सर्जरीज. So then you can have a good result. मैं आई हैव रिक्वेस्टेड डॉक्टर के डॉक्टर आजकल अब्रॉड में बहुत सारे यू नो इतने सारे GLO से सबके हिप्स इम्प्लांट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अब्रॉड में हिप्स इम्प्लांट होते हैं. ऐसे डॉक्टर डू समथिंग टू माई हिप्स, यू नो कैन यू सी. तो ऐसे डॉक्टर क्या कर सकते हैं? तो डॉक्टर बोला वेट एंड आई विल डू समथिंग. हम सोचते हैं कुछ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. मैंने अभी करवाया नहीं है, बट इन फ्यूचर यू नेवर नो. Maybe I will do it. अगर डॉक्टर ने चाहा तो. अच्छा, राखी का भी सवाल करना चाहूँगा क्योंकि आप फिल्म फ्रेटरनिटी हैं, आप हिस्सा है फिल्म इंडस्ट्री का. हाल ही में खन्ना साहब का एक सैड डिमाइज हुआ था, लेकिन इसके चलते फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा है. ये इसलिए क्योंकि आज के जो जनरेशन के जो कलाकार है वो उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुंचे. देखिए, दिस इज़ वेरी सैड न्यूज़. मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ विनोद खन्ना जी की, लेकिन इतना जब ये न्यूज़ सुना हमने तो बहुत ही सैड हुए. लेकिन ये सबको आने देना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हम उनके फ़ैन रह चुके हैं. ही वॉज़ अ ग्रेट हीरो, लेजेंड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. तो आई डोंट नो ऐसा क्यों किया है. इन फ्यूचर गॉड ना करे और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, तो हर आर्टिस्ट को आने देना चाहिए. कहा ये जा रहा था कोई बड़ी पार्टीज होती है तो चले जाते हैं, लेकिन बड़ी पार्टीज होती है तो चले जाते हैं, फ्यूनरल में क्यों नहीं बुलाते हैं? तो फ्यूनरल में भी होना चाहिए, यू नो बुलाना चाहिए आर्टिस्ट को. बुलाना नहीं चाहिए, मतलब जाना चाहिए खुद से. मैंने तो जितना भी मेरे ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो या जितना भी हो, जितना भी मैंने अपना शोक जताना था, मैंने डेफिनेटली बहुत सैड न्यूज़ है. बिकॉज विनोद खन्ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है. ही वॉज इज़ अ वेरी बिग हीरो, और बहुत ही ऐसा कोई हीरो नहीं होगा जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया होगा. बट हर आर्टिस्ट को तो जाना चाहिए. मे बी अगर शूटिंग है तो फिर नॉट पॉसिबल, सॉरी. हाँ, ये भी बिल्कुल ऋषि कपूर जी के साथ हूँ कि लोग पार्टी में चमचों की तरह चले जाते हैं. ड्रिंक विंक वहाँ पे फ्री होता है, इसलिए खाने पीने चले जाते हैं. बट फ्यूनरल होता है किसी बड़े स्टार का तो क्यों नहीं जाते हैं? दिस इज़ रॉन्ग. अरे, विनोद खन्ना है या कोई भी बड़ा लेजेंड है तो जाना चाहिए, क्यों नहीं. मैं तो पहुँच जाती हूँ, लेकिन मैं तो ऐसे पहुँच जाती हूँ बिकॉज वहाँ पे तो विदाउट मेकअप जाना होता है ना, तो मुझे लोग पहचानते नहीं है वहाँ पे, इसीलिए विदाउट मेकअप तो मीडिया को पता ही नहीं चलता राखी आई कि नहीं आई. सर, थैंक यू. प्लीज़.